परिवारवाद के द्वारा ही भाई भतीजेवाद चलता है और उसके द्वारा ही करप्शन भी चलता है। इसमें फुल 100 marks हम एनसीपी को दे सकते हैं। मागील 3 दिवसांपासून भाजपच्या केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन या 12 लोकसभा मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर आहेत। पवारांच्या बालेकिल्ल्यात जाऊन सीतारामन यांनी थेट पवारांनाच आव्हान दिलंय, 12 परिवारवाद, भाई भतीजावाद आणि त्यातूनच भ्रष्टाचाराचा जन्म होतो असं म्हणत या त्रिसूत्रीचा 12 वापर केला तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 100 पैकी 100 mark मिळू शकतात असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर 12 त्यांनी निशाणा साधला। परिवारवाद के द्वारा ही भाई भतीजेवाद चलता है और उसके द्वारा ही करप्शन भी चलता है। ये थियरी आप 12 में टेस्ट करके देखो, गलत है क्या? ये थियरी सही है ना? परिवारवाद जन्म देता है भाई भतीजेवाद को, भाई भतीजेवाद जन्म देता है करप्शन को। इसमें फुल 100 marks हम एनसीपी को दे सकते हैं, पूरे 100 mark। आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचं मिशन 12 अंतर्गत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे। पवार कुटुंबाचा हा अभेद्य गड काबीज करणं हा भाजपचा उद्देश आहे आणि त्यामुळेच निर्मला सीतारामन यांच्या 12 दौऱ्याला सुरुवातीपासूनच विशेष महत्व आलंय। भारत देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र पार्टी के द्वारा 144 ऐसे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में केंद्र मंत्रीगण को भेजा जा रहा है, जो जाकर के उधर संगठन मजबूत करने के लिए जो भी काम करना है करने के लिए। सो हम हर एक क्षेत्र जो 144 है उसमें एक एक मंत्रीगण जा रहे हैं, 3 का प्रवास कर रहे हैं। ए फॉर अमेठी एंड बी फॉर 12। 2024 12 जिंकण्यासाठी भाजपनं आतापासूनच कंबर कसली आहे। आता लोकसभेसाठी 12 भाजप नेमका कोणता उमेदवार देणार, तसंच तब्बल 2 आधी तयारीला लागून पवारांचा हा अभेद्य गड भाजपला भेटता येईल का हे पाहणं इंटरेस्टिंग ठरणार आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की आम्हाला सांगा। त्यासाठी लोकमतचं फेसबुक पेज लाईक आणि फॉलो करा आणि यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। पुण्याहून अश्विनी जाधव केदारी, लोकमत।